जिंदाबाद, मेरा नाम मोनू स्वामी है और मैं कोटपुली जिले का रहने वाला हूँ। क्योंकि लोग हमें विश्वास नहीं करते कि हम आपकी मदद करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर यहाँ पे हमारे साथ हमारे कुछ डाटा वगैरह लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और मुझे यहाँ ट्रेनिंग दी गई तो मैंने जाना कि संपर्क पोर्टल, सूचना पोर्टल, शहरी रोजगार, ग्रामीण रोजगार, गिग वर्कर्स आदि योजनाओं के बारे में जाना, जो मुझे पहले कभी पता ही नहीं थे, जिनके बारे में ना पहले मैंने कभी सुना था। पर यहाँ आने के बाद जब मैंने यहाँ सीखा और यहाँ से जाने के बाद जब हम फील्ड में गए तो उसमें मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहला हमारा कार्य था जिसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि लोगों के ऊपर विश्वास बनाने की। तो सबसे पहला मेरा जो केस स्टडी रहा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, वह एक वृद्ध व्यक्ति थे, रघुवीर जी। उनकी पत्नी भी वृद्ध थी और उनके कोई बेटा नहीं था, एक बच्ची थी जिसका उन्होंने विवाह कर रखा था। तो वो क्या था कि 6 महीने हो गए लगातार बैंक के चक्कर काटते और बैंक में उन्हें यही कहा जाता कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन अभी नहीं आई है। तो वो 6 महीने से बेचारे इतने परेशान हो गए क्योंकि उनका खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब एक दिन मैं उनसे मिला तो मैंने उनको जाना कि भाई 6 महीने से उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही। मैंने सबसे पहले संपर्क पोर्टल पर चेक किया तो संपर्क पोर्टल पर चेक करने से मुझे पता चला कि उनकी जो पेंशन है वो RBI में रिफंड हो रही है वापस से। शिकायत दर्ज कराई तो उसमें भी ऐसे ही आया कि आप बैंक में संपर्क करिए। तो इसके बाद मैं उनको साथ लेके बैंक गया। बैंक में जाने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इनका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बैंक वाले ने बोला कि अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट सुचारू रूप से चालू है। तो वहाँ पे भी कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा कि आप एक बार इनकी KYC करवा सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। फिर हमने उनके आधार कार्ड और उनकी फ़ोटो लेके उनकी बायोमेट्रिक करवा के उनका अपडेट करवा दिया दोबारा से बैंक के अंदर, फिर भी उनकी पेंशन नहीं आई। फिर मैंने उनको लेके एक बार ट्रेजरी ऑफिस के अंदर गया। ट्रेजरी ऑफिस के जाने के बाद वहाँ भी हमें कोई जवाब नहीं मिला कि यहाँ से तो जा रही है पर क्या पता अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई सर्वर की वजह से इनकी पेमेंट वापस RBI में रिफ़ंड हो रही है। इसके बाद मैं पंचायत समिति में जाने के बाद उनका कारण पूछा तो पंचायत समिति में कहा गया कि आपका जो डाटा है वो भी नगर परिषद के अंदर भेज दिया गया है, क्योंकि 15 ग्राम पंचायतें थी जो अभी कोटपुती नगर परिषद बना, तो 15 ग्राम पंचायतों को उन्होंने ग्रामीण से नगर परिषद में शामिल कर लिया गया। उसके बाद हम उनको लेके नगर परिषद गए। नगर परिषद जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने बोला कि पंचायत समिति से हमें अभी पूरा डाटा नहीं मिला है। तो उसके बाद भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नगर परिषद में कोई जानकार था तो मैंने उनके द्वारा एक बार रिक्वेस्ट करके उनके बोला कि ये वृद्ध व्यक्ति बेचारे 6 महीने से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, इनके पास कोई आय का स्रोत भी नहीं है और इनकी पेंशन भी नहीं आ रही है। तो उन्होंने कुछ चेक वगैरह करके तब बताया कि इनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, यानी जन आधार में इनके अकाउंट में गलती है, तो आप एक बार वो सही करवाएं। जब हमने जन आधार में उनके अकाउंट के नंबर देखे तो उसमें अकाउंट में एक जो डिजिट थी वो नहीं थी, अकाउंट नंबर गलत थे। तो हमने पहले जन आधार कार्ड में उनके नंबर सही करवाए अकाउंट के, उसके बाद उनकी अपलोड करवा के उनको वेरीफाई करवाए और उसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति की 6 महीने की पेंशन 15 दिन के अंदर अंदर एक साथ उनके अकाउंट में डाली गई।